इंदौर के हॉट सीट सावर में साड़ी शराब से लेकर हर वोटर को मिल रहा है पैसा, करप्शन का पैसा बांट रहे हैं सिलावट। मध्य प्रदेश के सबसे हॉट सीट सावर में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने गुरुवार को अपना नामांकन भरा। गुड्डू का मुकाबला जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के साथ है। नामांकन दाखिल करने से पहले गुड्डू ने सिलावट और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बोले, जिसके पास तिलक की थाली में डालने के लिए 21 और 51 रुपए नहीं होते थे, वे आज 5-स्टार होटलों में इतने रुपए खर्च कर रहे हैं। आज दारू से लेकर पैसा तक तमाम तरह की चीजें चल रही है। नोट, शराब, साड़ी, अंडे, ये सब फेल होंगे और कांग्रेस यहाँ से जीत रही है। गुड्डू ने भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज इंदौर और उज्जैन में कोई 5-स्टार होटल खाली नहीं मिलेगी। यहां तक कि चारपाई से लेकर हर छोटे मोटे ढाबे तक स्लीप चल रही है। दारू से लेकर पैसा तक तमाम तरह की चीजें चल रही है, लेकिन प्रजातंत्र को और जनतंत्र को इस तरीके से खरीदा नहीं जा सकता। जनता इस बात को समझ रही है कि जिस आदमी के पास तिलक की थाली में डालने के लिए 21-51 रुपए नहीं थे, आज वह इतने सारे 5-स्टार होटल में इतना पैसा खर्च कर रहा है। यह दिखाता है कि करप्शन का पैसा है। और कमलनाथ जी की सरकार गिराने के लिए जो सैकड़ों रुपया लिया गया है, वह स्पष्ट दिख रहा है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह और अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हमने जो यहाँ शैतानों से मुक्त कराना है सामीर को, जो साधु और शैतान की बात कर रहे हैं, आज हम लोग बताएंगे शैतान कौन है और इन शैतानों ने कलयुग में भेष बदल के यहाँ पे आए हैं। सिंधिया जी और चंडाल के रूप में तुलसी सिलावट जी आए हैं। इस युग में आज इस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया है, इस प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। उस धोखे का हिसाब किताब हम लोग करने आए। देखो, आप हजारों की संख्या में बगैर किसी वाहन साधन के लगाए हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। सबको इस बात का दुख है कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारी पीठ में छुरा हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।